बस में गोपू सफर कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं खिड़की से बहती हुई गोपू को लग रही थी। गोपू को नींद आ जाती है और गोपू सो जाता है। अचानक से बस रुकती है। अरे नारायणपुर में उतरने वाले उतर जाओ, आगे बस नहीं जाएगी। अरे ओ भाई साहब उतरो, कितनी देर तक सोए रहोगे? तुम्हारा घर नहीं है, बस ये हमारा, आगे नहीं जाएगी, उतर जाओ यहाँ पे। हाँ हाँ भाई उतर ही रहा हूँ, कौन सी तुम्हारी बस खरीद ली है मैंने। हाँ लग भी नहीं रहे हो टाटा अंबानी। हाँ हाँ मैं नहीं हूँ, बक बक करता रहता है। गोपू इतना कह के उतर जाता है। ये बिल्कुल गांव था, आसपास एक भी शख्स दिखाई नहीं दे रहे थे, पीछे सिर्फ खेत और खलियान दिखाई दे रहे थे। गोपू आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी चाल में मस्त आ रहा होता है। अरे आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ओ भाई साहब ये आप बता सकते हैं महापात्रा जी का घर कहाँ पे होगा? महापात्रा ये कौन है? अरे वही जो बहुत अच्छा गाती हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। मोहन ने तो नहीं बताया कभी उसकी बीबी गाती भी है? महापात्रा नाम की तो वही है, उसकी बीबी तो रोज रोज चिक 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 करती रहती है, क्या वो गाना गाती है? गोपू ने देखा ये तो सिर खुजला रहा है। उसे सिर खुजलाता देखकर गोपू आगे बढ़ने लगा। तब उसने पीछे से आवाज लगाया। अरे ओ भाई साहब सुनो, चले जाना चौराहे पर, वहाँ पर आपको रिक्शा मिल जाएगा, गाड़ियाँ मिल जाएगी, उनसे पूछ लेना। गोपू आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे शाम हो रही थी इसलिए गोपू को टेंशन भी हो रही थी। इस निर्जन गांव में कहाँ रहने को जगह मिलेगा? ऐसा सोचते सोचते वो चौराहे के पास पहुँचा। उसने देखा एक बैलगाड़ी पर एक आदमी सो रहा है। अरे ओ भाई साहब सुन रहे हो? अरे ओ भाई साहब। अरे कौन है, मेरी नींद खराब कर दी? ये थोड़ी देर तो सोया था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। बोलो क्या बात है? मैं कोलकाता से आया हूँ। तो क्या करूँ, नाचूं? अरे नहीं भाई साहब, थोड़ी सी मदद चाहिए थी आपसे। बोलो क्या मदद चाहिए? मैंने इस गांव में पहली बार कदम रखा है। तो स्वागत नहीं हुआ? अरे नहीं भाई साहब, मुझे महापात्रा जी का घर जाना है। वो शख्स एकदम से चुप होकर सोचने लगा। वही जो बहुत बड़ी गीतकार थी? हाँ वो तो अभी भी है। है? अच्छा तो उधर तो कोई जाता नहीं है, तुम्हें वहाँ कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा। मुझे उनके घर जाना है। घर जाना है? मोटा माल लग रहा है, डबल चार्ज लगेगा। हाँ हाँ जो मांगोगे आप मैं दूंगा, अब तो शाम होने लगी। ठीक है चलो बैठ जाओ गाड़ी में। गोपू बैठ जाता है। वो धीरे धीरे गाड़ी हाँकने लगता है। हाँकते हुए रास्ते में वो पूछता है, ये वहाँ क्यों जा रहे हो? मैंने सुना है उनका नाम संगीत में बहुत ज्यादा है, तो मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा लेकिन उधर तो कोई जाता आता नहीं है। क्यों? जाओ पता चल जाएगा। फिर वो शख्स बैलगाड़ी को कुछ दूर ले जाकर रोक देता है। ये जो देख रहे हो ना हवेली, यही है उनकी हवेली, अब तुम यहाँ से चले जाओ, पैदल यात्रा करके पहुँच जाओ। ठीक है मैं चला जाऊंगा। मेरे पैसे कौन देगा? पैसे तो देते जाओ। हाँ हाँ मैं आपको पैसे भी दे रहा हूँ। गोपू पैसे देकर उस घर की तरफ आगे बढ़ता है। दरवाजा को खटखटाता है। सामने से एक आदमी निकलता है। हाँ जी कौन चाहिए? मुझे महापात्रा जी से मिलना है। अभी तो क्लास चल रही है, आप आइए बैठिए। गोपू अंदर जाकर बैठ जाता है। तभी कुछ देर बाद उसे दिखता है कि बाहर से यह हवेली तो खंडहर लग रही थी, पर अंदर से यह हवेली बहुत खूबसूरत थी, एकदम से जानदार। अचानक से उसके कानों में सुंदर गीत पड़ने लगता है। गाना सुनकर उसे रहा नहीं जाता है और वो आखिर उस कमरे में चला जाता है। कमरे में देखता है एक बेहद खूबसूरत औरत गीत गा रही है और उसके पास
दो शिष्य हैं बैठे हुए, वो भी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। गोकू को देखकर वो शांत हो जाती है। आप कौन हैं और इस तरह से बीच में आ गए? माफ कीजिएगा मुझे, मैंने आपकी आवाज सुनी, मुझसे रहा नहीं गया। आपका संगीत इतना सुंदर है कि मैं बस यहाँ चला आया। मेरे गुरु महाराज ने आपका नाम बताया था तो मेरे मन में इच्छा हुई कि आपसे मिल लूं। आप संगीत की इतनी महान गायिका हैं। मेरे गुरु कहते हैं आपकी आवाज में जादू है, और आज मैंने देखा बिल्कुल आपकी आवाज में बहुत जादू है। अच्छा आइए बैठिए, तुम लोग सारे नोट्स लिख लो। रामू काका आप इन्हें कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करो। रामू काका जाकर उधर से चाय वगैरह लेकर आते हैं। ये लो मैं ले आया। और बताइए कैसे आना हुआ आप? मैं बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए आ गया था। मैंने बताया जैसा कि मेरे गुरु ने कहा, आप बहुत महान हैं। अच्छा किस गुरु की बात कर रहे हैं आप? राम प्रसाद जी। अरे वाह, हाँ वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत महान हैं वो। मैं जब इस गांव में आ रहा था ना, मुझे लोग बहुत अच्छे लगे, उन्होंने मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचने में, वो सारे अच्छे हैं। इधर चाय बिस्किट खा ही रहा था गोपू, और जैसे ही उसने ये बातें कही अचानक से उसे चाय बिल्कुल खून की तरह दिखा। चाय का प्याला उसके हाथ से छूट गया, प्लेट में मकड़ियाँ दिखने लगी बिस्किट की जगह। गोपू डर गया। अरे अरे ये क्या है, ये क्या हो गया? उसने देखा दीवारें अब फिर से खंडहर में बदल गई, और जो गा रही थी वो चुड़ैल में बदल गई, बाकी जो लोग थे वो भूत में बदल गए। अच्छे हैं गांव वाले, अच्छे हैं गांव वाले, बहुत बुरे हैं। गांव वालों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है। तुम्हें वो अच्छे लगे रामू काका? ये बच के जाने न पाए। अरे नहीं, मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली है। एक हाथ बढ़ा और उसने गोपू का गर्दन पकड़ लिया। मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या किया है? मैं तो आपकी महानता देखकर यहाँ आया था, और आप तो कुछ और ही निकल रही हैं। आप कौन हैं? यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता है, ये है मेरा असली रूप। इन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी, कोई नहीं बचेगा। मैं गाना गाती थी और बोलती थी कि लड़कियों को पढ़ने जाने दो, गांव वालों को बुरा लगने लगा, गांव वालों ने मुझे कमरे में बंद करके मार दिया। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सारे मारे जाएंगे। गोपू के हाथ से डायरी गिर जाती है, और डायरी में गुरु का फोटो दिखता है, जिसे देख के महापात्रा शांत होने लगती हैं। गुरुदेव, गुरुदेव की तस्वीर, तुम आज बच गए क्योंकि तुम्हारे पास गुरुदेव की तस्वीर थी। मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना जीवित नहीं बचोगे। गोपू वहाँ से भागता है, और भागते हुए रात में ही गांव को पार कर जाता है।